मैं मनोज देवदत्त, बड़ी प्यारी महफिल है, बड़े प्यार से सुन रहे हैं, तो मुझे भी बड़े प्यार से सुनिए, बड़ी मेहरबानी होगी। चलो चलो, एक मोटिवेशनल शायरी से शुरू करना चाहूँगा। जिंदगी में हारा हूँ मगर जिंदगी नहीं हारी है, जिंदगी में हारा हूँ मगर जिंदगी नहीं हारी है, देखा है बुरे से बुरा दौर और सफ़र अब भी जारी है, और सफ़र अब भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर मैं अपने माता पिता, एक्चुअली अपने ही नहीं, आप सबके माता पिता को डेडिकेट करना चाहूँगा, तो शिद्दत से सुनना। कागज़ पर एक शब्द पिता लिखा, कागज़ पर एक शब्द पिता लिखा, लिखकर पिता उसका अर्थ मैंने खुदा लिखा। कागज़ पर एक शब्द पिता लिखा, लिखकर पिता उसका अर्थ मैंने खुदा लिखा, फिर मोहब्बत लिखी और लफ्ज़ मोहब्बत का अर्थ मैंने माँ लिखा, लफ्ज़ मोहब्बत का अर्थ मैंने माँ लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और ख्याल सुनिएगा कि सुबह जल्दी जा रहा हूँ शाम को देर से आ रहा हूँ, पूछ रहे हैं मेरे घर वाले आजकल मैं कहाँ जा रहा हूँ, पूछ रहे हैं मेरे घर वाले आजकल मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे बता दूँ उन्हें आजकल वो रकीबों के साथ है, कैसे बता दूँ उन्हें आजकल वो रकीबों के साथ है, मैं भी मोहब्बत के वकीलों के पास जा रहा हूँ, मैं भी मोहब्बत के वकीलों के पास जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर अपने शहर के नाम के, गालिब के शहर में आकर मोहब्बत का पता पूछ रहे हो, गालिब के शहर में आकर मोहब्बत का पता पूछ रहे हो, जाओ पहले खुद से जाकर पूछो क्या पूछ रहे हो, जाओ पहले खुद से जाकर पूछो क्या पूछ रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आस्तीन के सांपों पर लिखा था, आजकल बहुत बढ़ गए हैं तो आप सबकी नज़र करता हूँ। एक शायरी के, हमने जिनका भला चाहा बदले में उन्होंने हमारा गला चाहा, हमने जिनका भला चाहा बदले में उन्होंने हमारा गला चाहा, पता नहीं क्या थे उनके इरादे जो उन्होंने तोड़ दिए सारे रस्में वादे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ चंद आसार आप सबकी नज़र करना चाहूँगा। सूरज को दिया दिखाने की हिमाकत कौन करेगा, सूरज को दिया दिखाने की हिमाकत कौन करेगा, तुझसे नज़रें चुराने की हिमाकत कौन करेगा, तुझसे नज़रें चुराने की हिमाकत कौन करेगा, लेकर मोम की कश्ती आग का दरिया पार करने की हिमाकत कौन करेगा, लेकर मोम की कश्ती आग का दरिया पार करने की हिमाकत कौन करेगा। और शेर सुनिएगा कि अब मैं जंगलों की पहरेदारी करूँगा देखता हूँ परिंदों का शिकार करने की हिमाकत कौन करेगा, देखता हूँ परिंदों का शिकार करने की हिमाकत कौन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक मोहब्बत को मैंने माँ की मोहब्बत से जवाब दिया है, तो उस नज़्म को बड़े आराम से आप सुन। वो आँखों में सुरमा लगाती थी मेरी माँ भी मुझे बड़े प्यार से सजाती थी, वो अपने
हुस्न पर इतराती थी, वो अपने हुस्न पर इतराती थी, काला टीका मुझे भी मेरी माँ लगाती थी, काला टीका मुझे भी मेरी माँ लगाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपने दिन रात एसी में बिताती थी, वो अपने दिन रात एसी में बिताती थी, मेरी माँ के हाथ के पंखे से एसी से भी ठंडी हवा आती थी, मेरी माँ के हाथ के पंखे से एसी से भी ठंडी हवा आती थी। वो अपने बिस्तर पर मखमली गद्दे बिछाती थी, वो अपने बिस्तर पर मखमली गद्दे बिछाती थी, मेरी माँ भी मेरा सिर गोद में रखकर सुलाती थी, मेरी माँ भी मेरा सिर गोद में रखकर सुलाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी, वो शाही खाना बनवाती थी, मेरी माँ मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, मेरी माँ मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर अभी लिखा था, एक पतंगा होता है उसे आग की चाहत होती है, एक ये समझ सकते हैं, पर आग की मोहब्बत होती है आग से, तो उसी पर लिखा था, इत्तेफाक से इत्तेफाक नहीं हुआ था, इत्तेफाक से कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था, आग से मोहब्बत थी तभी तो पतंगा जलकर खाक हुआ था, आग से मोहब्बत थी तभी तो पतंगा जलकर खाक हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर और फिर उसके बाद बिदा लूँगा। हिजर के दिन चांद भी शर्मा गया था, हिजर की बात पर चांद भी मुरझा गया था, हिजर की बात पर चांद भी मुरझा गया था, अलविदा कह रही थी वो, अलविदा कह रही थी वो, रकीब हाँ रकीब उसके करीब आ गया था, रकीब हाँ रकीब उसके करीब आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया।